ओ हेलो इंडियन आर्मी यार, फायर मत करना, नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन आर्मी को मैंने बता दिया कि फायर नहीं कर, नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। ये जो नीचे जगह है जहाँ पे इंडिया का परचम लगा हुआ, ये जगह ठकवाल है जी, वहाँ पे आपके रिश्तेदार है जी। कौन है? हमारे दादा के रिश्तेदार है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल शाम को हम लोग निकले हुए थे केएल से किरण वैली की तरफ और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। यहाँ पे आके हमने स्टे किया है और स्टे हमने किया है एक ऐसे होटल में जो इंडिया के बिल्कुल फ्रंट पे है। यहाँ पे आगे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जिस होटल में हमने स्टे किया है उसके बिल्कुल फ्रंट पे एक दरिया है और दरिया के उस पार इंडिया है, इस पार पाकिस्तान है। ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये दरिया समझ लें बॉर्डर है। उस साइड पर ये जो घर हैं ये इंडिया के घर हैं और ये नीचे जो घर हैं ये पाकिस्तान के घर हैं। और एक और मज़े की बात ये कि आज का जो नाश्ता है वो हम इंडिया के बिल्कुल फ्रंट पे करने वाले हैं। ये जो आगे दरिया है, दरिया के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके हम नाश्ता करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम नाश्ता करने वाले हैं इंडिया के बिल्कुल फ्रंट पे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, चल के अपनी जो वीडियो इसको आगे बढ़ाते हैं और वहाँ चल के नाश्ता करते हैं। तो भाई जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है वो रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैठ के हम लोग नाश्ता करेंगे। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। तो भाई ये है आज़ाद कश्मीर के सीन्स। ये दरिया है जो समझने के एक बॉर्डर है, उस साइड पे इंडिया है, इंडिया वालों के घर, इस साइड पे आज़ाद कश्मीर है। तो आज हम इंडिया के फ्रंट पे बैठ के नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता हमने ऑर्डर किया है, अभी आने वाला है। बाकी ये अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है हमारी। तो नाश्ते में देखते हैं वलीद भाई ने क्या मंगवाया है। ये तो पराठे हैं, ये पराठे हैं, ऑमलेट है, पराठे ऑमलेट है और चाय है। यार ये दो ऑमलेट और ले आना। ये है भाई आज का हमारा नाश्ता, ये पराठे हैं, ये ऑमलेट है, दो ऑमलेट हमने और मंगवाए हैं और साथ में हमने चाय मंगवाई है। तो ये है आज का यादगार नाश्ता इंडिया के बिल्कुल फ्रंट पे। This tea is fantastic. ये जो गांव है केरल, ये एक गांव है जो दो मुल्कों के बीच में बटा हुआ है। उस साइड पे केरल इंडिया है, इस साइड पे केरल पाकिस्तान है। वहाँ के लोग और यहाँ के लोग रिश्तेदार हैं। ये अभी मैंने वलीद भाई सुना, तो इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरह की रिश्तेदारियाँ हैं। वलीद भाई मेरे साथ है, इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है इस जगह की। तो वलीद भाई, यहाँ की जो सैड स्टोरीज है वो बताए, इस गाँव से रिलेटेड ऐसी क्या सैड स्टोरीज है जो हम अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं? यहाँ पर जो एक सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है कि ये एक कौम है, एक गांव है, लेकिन यहाँ पर दो मुल्क बन चुके हुए हैं। तो इस तरह से बिछड़े हैं कि जब से बिछड़े हैं तब से इन्होंने एक दूसरे की शक्लें तक नहीं देखी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ़ एक दरिया का जो सा डिफरेंस है। तो वहाँ पर जब किसी की शादी होती है या कोई एक सैड इंसिडेंट होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जस्ट हाथ हिलाया जाता है और उनको इशारों में बता दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई शादी होती है तो हाथ हिला के मुबारकबाद दी जाती है, अगर कोई फौतगी होती है तो हाथ हिला के ही दुआ दी जाती है, दुआ दी जाती है। यहाँ पे कोई दुआ खानी का इंतजाम होता है? हाँ, बस इसी तरह से। बाकी अपने अपने गाँव में जो सा वो अहतमाम जो सा वो दोनों साइड्स पर होता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों गाँव हैं इनके आपस में रिश्तेदारियाँ हैं? रिश्तेदारियाँ हैं, ये जब बिछड़े हैं कोई जो सा है चाचा मामा उधर है, कोई ताया चाचा इस तरह से करके उधर है, इधर है, इस तरह से काफ़ी गहरी रिश्तेदारियाँ हैं। तो ये जो दरिया बीच में है, ये दरिया एक समझदार कानून है जो इनको मिलने नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दरिया तो, दरिया को भी जो सा है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। नहीं नहीं, क्योंकि दरिया से तो एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल आसान है। कोई जाना चाहे जिसके अंदर तड़प है ना, अगर मेरा कोई वहाँ पर होता, मुझे यहाँ से इजाज़त मिलती तो मैं शायद इसको क्रॉस करके चला जाता, अपनी जान की बाजी खेल के जो सर मैं वहाँ पर जाके अपने रिश्तेदारों से मिलता। वैसे हमारी जो अभी यहाँ पे जो स्टोरी है, एक ही गांव है, दो मुल्कों में बटा हुआ है, बीच में ये दरिया है। एक जो करतारपुर का आपने किस्सा सुना होगा, इंडिया के जो सिख हैं उनको एक्सेस दी गई है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा हम खुश हैं कि इंडिया के जो सिख हैं उनको अपनी एक इबादत गाह है, एक मुकद्दस जगह है, वहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। तो सिखों को वो इजाज़त मिली है, तो यहाँ कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं मिली? आपने वो करतारपुर में एक स्टोरी भी देखी होगी,
ये दो बहनें थी जो कि 1947 में आई गेस जो सब वो बिछड़ गई थी, और वो जो जब करतारपुर कॉरिडोर बना था तो तब वहाँ पर दोनों मिली थी और बूढ़ी बूढ़ी थी वो, एक आई गेस 80 प्लस थी और एक 70 प्लस थी समथिंग, इसके अंदर जो एज डिफरेंस था। अगर इंडिया के जो सिख हैं उनको एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है तो कश्मीरों का क्या कसूर है? बिल्कुल यही बात है कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जो 14 अगस्त को जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, वो इंडिया को मिठाइयाँ वगैरह पेश करते हैं। यही पैसा होता है यहाँ कश्मीर में, वो जहाँ पर हम पहले रुके थे। अभी फिर से जाएंगे हम वहाँ, वहाँ पर हम उस पुल पर भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इजाज़त लेके उस पुल पर हम वॉक भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे अगर तो हमें इजाज़त मिल जाती है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर इस इन मिठाइयों का तबादला हो सकता है तो रिश्तेदारियों का तबादला क्यों नहीं हो सकता? कम अज़ कम इतना ऐसा कोई स्पॉट बना दें कि वहाँ पर जो 10-10 साल 20-20 साल 25-25 साल या जब से ये जुदाइयाँ हुई हैं तब से वो लोग गले नहीं मिले, कम अज़ कम एक दूसरे को गले लगने का तो मौका प्रोवाइड किया था। ऑडियंस को बताता चलूँ कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी बहन किसी और मुल्क में हो और आप किसी और मुल्क में हो, आपका भाई किसी और मुल्क में हो और आप किसी और मुल्क में हो, क्या ही फीलिंग्स होंगी, कितना ही दिल करता होगा मिलने का। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कल किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि आपको इंडिया जाने की आखिर इतनी ख्वाहिश क्यों है, क्यों आप इतना बार और बोलते हो कि इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। यही वजह है कि यार मैं एक पॉजिटिव एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाऊँगा तो जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा और मैं पाकिस्तानियों के अंदर जो मोहब्बत है इंडियंस के लिए वो मैं वहाँ पर जाकर शो करूँगा और इंडियंस के अंदर पाकिस्तानियों के लिए जो मोहब्बत है वो मैं देखूँगा एक्सपीरियंस। ये अभी चील आई है, ये वहाँ से आई है, ये चील आई है इंडिया से। सही, जब परिंदे जानवर जौन से है वो आ जा सकते हैं, क्या जानवर जौन से हैं वो हमारे से ज़्यादा अच्छे तो नहीं है? एक चीज़ मैं यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स को बोलना चाहूँगा कि देख लें आपके सामने ही बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है तो इनके ऊपर भी कोई आप पाबंदी लगा दें, ताकि हो सकता है कि ये भी कल को कुछ ना कुछ कर दें, तो इनके ऊपर पाबंदी लगा दें, इनको भी बोलें कि वीज़ा लेके आ जाएँ या ऐसा कुछ करें, अच्छा रहेगा। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा सेट स्टोरीज हमने सुनी है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हैं आगे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे मुसलमान हैं उनके घर हैं, वहाँ पे इंडियन फ्लैग है वो भी हम देखेंगे, तो चलते हैं आगे थोड़ा ना। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का चेक पोस्ट है, आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया पोस्ट है और ये इंडिया का फ्लैग है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये ओवरऑल यहाँ के घर हैं और इन घरों के अंदर ही मुसलमान रहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये ख़ानदान और यहाँ के जो ख़ानदान हैं वो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही ख़ानदान के लोग हैं जो उस तरफ भी रहते हैं और इस तरफ भी रहते हैं। तो भाई ये जो जगह थी इस जगह हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, यही एक पट्टी जाती है आगे तक जहाँ उस साइड पर इंडिया है इस साइड पर पाकिस्तान है, तो आगे एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, फिलहाल यहाँ से चलते हैं। तो भाई जिस जगह की मैं बात कर रहा था कि एक छोटा सा पुल है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया कनेक्ट होते हैं, वो पुल वहाँ पे सामने है, वो काफ़ी दूर है, अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये सामने इंडिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर है और इंडिया का फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि जम्मू एंड कश्मीर के हमारे जो मुसलमान हैं वो बहुत खुश हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत ही मज़े से चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स के बीच में एक ग्राउंड वहाँ पे उनके लिए बनाया गया है और वहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना वलीद भाई, कितने खुश हैं वो लोग यार, हमारे से ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा ही है। किसी भी मुल्क का हिस्सा हो, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अमन होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में भी अमन हो अच्छी बात है, आज़ाद कश्मीर में अमन हो अच्छी बात है, जो असल मतलब की जो बात है वो यही है कि लोग अगर खुश रहें तो ये सबसे बड़ी बात है, बस लोग खुश रहें। यार ये जरा बताओ क्या है, ये सब इंडिया ठठवाल है, इंडिया ठठवाल है, ये इंडिया पीस के पीछे ठठवाल है, अभी इसका नाम है ठठवाल, ठठवाल है, आप कोई रिश्तेदार हैं वहाँ पे? अच्छा ठठवाल में ये जो नीचे जगह है जहाँ पे इंडिया का परचम लगा हुआ, ये जगह ठठवाल है जी, वहाँ पे आपके रिश्तेदार है जी, कौन कौन है? हमारे दादा अबू के रिश्तेदार हैं, दादा अबू के रिश्तेदार हैं, वैसे मिलना होता है उनसे? अभी पहले मिलते थे, अभी नहीं मिलने देते, अभी मिल नहीं देते, पहले कैसे मिलते थे? पहले ये थे नीचे आते थे, वो पुल के नीचे आते थे पुल के पास, अभी सख्त मना किया जी, फायर लगी थी उसके बाद उन्होंने नहीं आने। अच्छा फायर यहाँ पे लगे थे अभी यहाँ पे जब फायर होते हैं तो पाकिस्तान वाली साइड से होते हैं, वहाँ से होते हैं?
इधर से ऊपर जाते हैं, हमारे इनके ऊपर, इनके हमारी महली। अच्छा, ये जो ऊपर है ये चेक पोस्ट है यहाँ पे इस जगह पे, तो वहाँ से फायर होता है जी? वहाँ से यहाँ इस तरह फायर होता है जी? ऊपर होते हैं जी, ऊपर होते हैं, ऊपर पाकिस्तान के चेक पोस्ट हमारी ऊपर है, हमारी है सामने सामने वो सामने। अच्छा सही सही, तो बीच में आप लोग फंसे जी। चलो अल्लाह आप लोगों को हिफाजत से रखे। बाकी देख सकते हैं आप, भाई के रिश्तेदार यहाँ नीचे हैं, पहले इस पुल के पास आके ये लोग मिलते थे, अभी स्ट्रिक्टली मना किया गया है। वैसे दिल तो बहुत करता होगा मिलने का जी, दिल तो बहुत करता होगा जाने नहीं। कितने टाइम से नहीं मिले अपने रिश्तेदारों से? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए नहीं मिले। पहले तो मिलते थे, हम उधर नहा रहे थे ना, हमारे लिए इधर चीजें वगैरह भेजते थे। अच्छा, स्विमिंग करके जाते थे? वाह यार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चीज़ें क्या क्या यहाँ से वहाँ जाती हैं, एक्सचेंज क्या क्या होता था? इधर से हम हर बात ही भेजते रहे, उधर से खोपे वगैरह भेजते थे खाने वाले, खोपा। अच्छा, वो वहाँ से भेजते थे। और इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम अपने व्यूअर्स को दे सकें यहाँ पे? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इस जगह और जैसे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि आपके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, आप लोग आपस में हाथ हिलाते, इसके अलावा ऐसी एक और कोई और स्टोरी जो आप जब शादी ब्याह होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है? वो सामने उनके घर होती है, ग्राउंड में जो फोटकी वगैरह हो जाए ग्राउंड में बनाते हैं, जो शादी है वो रोड हो गए। तो आप शादी अटेंड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सही सही, तो आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते हो कुछ म्यूजिक वगैरह लगा जी? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो शादी एक होती है उधर, सेलिब्रेशन दोनों तरफ होती है, मतलब एक शादी की सेलिब्रेशन दो मुल्कों में होती है जी। यार क्या बात। तो आप किधर रहते? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, ये भाई लाहौर से हैं। तो पहली बार यहाँ पे है, बहुत अच्छा लगा यार। वैसे आपके जो इंडिया वाली साइड के जो कश्मीरी है वो खुश हैं? खुश ही होंगे। कुछ नहीं, वैसे आप खुश तो नहीं है, मतलब ये सामने ये इधर सिख रहते हैं वो हिंदू हैं, ये सामने सारे हिंदू हैं। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक हिंदू हैं? हिंदू, वो मस्त मुसलमान है, ये हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, हिंदू के वो कॉलेज है। सही से, वो हिंदू का कॉलेज है नीचे जो ने बनाया, हिंदू हिंदू मुसलमान मिक्स है यहाँ पे, मिक्स है। तो ये आपस में तो अमन से रहते होंगे ना? अमन से रहते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो मुसलमान हैं वो ऐसा कुछ कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, ऐसा कुछ कोई? वो किस मुल्क के साथ खुश होंगे, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ खुश होंगे। वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान में खुश होंगे? बहुत अच्छी बात है यार। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक दिल में ये बात है कि काश हम भी पाकिस्तान का हिस्सा होते, जो 22 में पता चला। इसके अलावा यहाँ पे नीचे एक कॉलेज है, ये हिंदू कॉलेज है ना? ये आपको आगे जो कॉलेज नज़र आ रहा है ये हिंदू कॉलेज है, और इस साइड पे हिंदू रहते हैं, वहाँ पे आगे मुसलमान रहते हैं। तो चलो यार, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, इन्फॉर्मेशन दी आप, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक सर, ओके, अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। तो देखा आपने, ये है यहाँ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। अगर हम यहाँ पे ऐसी जगह पे हम रुके ना, बहुत सारी स्टोरीज़ हम मिल सकती हैं। मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हम चीज़ें डिटेल्स एक्सप्लोर करते हैं, आगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह पे आगे हम स्टे करें और ओवरऑल जो स्टोरी से एक एक इंडिविजुअल की स्टोरी वो हम कवर करें और आप तक ये पहुँचाएं। ये मेरा अभी एक ये चीज़ अभी मुझे समझ आ रही है कि यहाँ के एक एक इंडिविजुअल की एक एक घर की एक स्टोरी होगी जो हम एक्सप्लोर करनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो हम नेक्स्ट टाइम पे प्लानिंग करेंगे, अपने फुल सेटअप के साथ आएंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो? घर? अभी कहाँ गए थे? स्कूल गए थे? ये भी स्कूल आया था? ये स्कूल आया था आपका भाई? हाथ नहीं मिलाया गया मुझसे। हेलो, हेलो, कैसे हो? ठीक हो? नाम क्या है इसका? अली। नाम क्या है आपका? ओह, क्या कह रहा है? अली अली। ओह चलो चलो, बाय बाय बाय, टाटा। इस साइड पर, इस साइड पर क्या आना, सही है, इस साइड पर चलना। ओके बाय।